लगा दो आग पानी में जवानी, उसे कहते हैं छीन लो सिलेक्शन कहानी, उसे कहते हैं। सुबह 6 बजे फूल पत्ती वाली क्लास में जो कुछ आपको पढ़ाता हूं पूरी जिम्मेदारी होती है कि उसे दोस्तों आपको याद करा दिया जाए। उसी श्रृंखला में दोस्तों धाकड़ बुक की श्रृंखला होती है जिसमें मैं महत्वपूर्ण बुक जो है वो आपको डेली पढ़ाता हूं। उन सभी को दोस्तों आज एक साथ अगले 5 मिनट में मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, कोई ना कोई आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगी। तो हो जाओ तैयार दोस्तों, चलिए आगाज करते हैं धाकड़ बुक श्रृंखला का दोस्तों। और देखिए सबसे पहले आपके सामने बुक है आजादी। किसकी पुस्तक है दोस्तों? अरुंधति रॉय की पुस्तक है। अभी आगे 2 अति महत्वपूर्ण पुस्तक और आएंगी अरुंधति रॉय की। दूसरी पुस्तक जो अति महत्वपूर्ण है दोस्तों डेविड डायोप की पुस्तक है और इसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों सन 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीतने वाले कौन है? डेविड डायोप है। किस पुस्तक के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला देखिए सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। और दोस्तों सगी बहन डगलस स्टुअर्ट की पुस्तक है सगी बहन। और सन 2020 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? डगलस स्टुअर्ट थे। उनकी दोस्तों पुस्तक है सगी बहन। आगे देखिए अगला पॉइंट दोस्तों, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी पुस्तक है? सौरभ गांगुली की पुस्तक है दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। वही दोस्तों बुहान डायरी दोस्तों किसकी पुस्तक है? फांग फांग, याद आया रसगुल्लो? बुहान कोरोना चमगादड़ भाग भाग फांग फांग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, द व्हाइट टाइगर ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इस पुस्तक के ऊपर दोस्तों इस नोवेल के ऊपर एक मूवी बनी है, उसका नाम भी द व्हाइट टाइगर है। प्रियंका चोपड़ा दोस्तों उस फिल्म में। अब देखिए अरविंद अडिगा की पुस्तक है दोस्तों द व्हाइट टाइगर। उसी के साथ ध्यान रखना द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये दोस्तों युवराज सिंह जो है कैंसर और उसके बाद में दोस्तों जो वापसी की थी उन्होंने उसके ऊपर बुक का नाम है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। आगे देखिए अगला दोस्तों एस अगेंस्ट ऑड। दोस्तों ये किसकी है? सानिया मिर्जा जो टेनिस खिलाड़ी है उनकी है। वहीं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक का नाम क्या है? वो है दोस्तों गीता रहस्य जो उन्होंने जेल के अंदर लिखी थी। आगे बढ़िए दोस्तों द फ्यूचर ऑफ इंडिया ये पुस्तक है बिमल जालान। किसकी दोस्तों? बिमल जालान की है। और वहीं ध्यान रखना शशि थरूर दोस्तों एन इरा ऑफ डार्कनेस ये पुस्तक भी किसकी है? शशि थरूर की है। और दोस्तों ध्यान रखना द ग्रेट इंडियन नोवेल ये भी दोस्तों किसकी है? शशि थरूर की पुस्तक है। आगे देखिएगा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी मेरी 51 कविताओं का जो संग्रह है वो किसकी है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोस्तों सीधी एनटीपीसी में पूछी गई अनुपम खेर की पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे। क्या है दोस्तों? योर बेस्ट डे इज टुडे अनुपम खेर। आगे देखिए दोस्तों ये ध्यान रखना चेकबुक दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वासुदेव मोही की दोस्तों पुस्तक है, इनकी नोवेल है दोस्तों चेकबुक, लघु कहानियों का संग्रह है दोस्तों चेकबुक। आगे देखिए माइंड मास्टर दोस्तों याद करो ये कौन है? शतरंज के जादूगर दोस्तों विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद शतरंज के जादूगर। और बुक का नाम है दोस्तों माइंड मास्टर। आगे देखिएगा अगला सेलेस्टियल बॉडी आपको हो गए सर क्यों महत्वपूर्ण है? जोखा अलार्थी की दोस्तों बुक है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सन 2019 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्र
सरप्राइज। याद करो दोस्तों, अब की बार किसको मिला है, अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। अब की बार जिसको मिला है दोस्तों, डेविड डायोप, सन 2021 का। सन 2019 का किसको मिला, जोखा अलार्थी को मिला सेलेस्टियल बॉडी के लिए। वही दोस्तों आपके सामने है बीबीएस लक्ष्मण ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक बड़ी समस्या दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। ये दोस्तों बीबीएस लक्ष्मण की बुक है। आगे देखिएगा अगला दोस्तों, आपके और मेरे सभी के दोस्तों फेवरेट, हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। सीधा पेपर में पूछता है किसकी बुक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। वही दोस्तों पाटलिपुत्र की सामग्री, ये अभी चर्चा में करंट में, किसकी पुस्तक है, शरद पगारे की पुस्तक है दोस्तों पाटलिपुत्र की सामग्री। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अगर पूछ ले जातियों का अंत दोस्तों, ये पुस्तक है किसकी, ध्यान रखना दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और इस बुक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, डेविड डायोप की पुस्तक है दोस्तों, और बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, और सन 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इसको मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आई एम नॉट मसीहा दोस्तों किसकी पुस्तक है, द रियल हीरो सोनू सूद, किसके ऊपर है, सोनू सूद जी की ऑटोबायोग्राफी है। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ ले किस किसने लिखी है, सोनू सूद तो है ही दोस्तों, साथ में उसके मीना अय्यर भी है। कौन है दोस्तों, मीना अय्यर भी उसके साथ में। अगला ध्यान रखना, सुरेश रैना, अभी दोस्तों अति महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है बिलीव। क्या है दोस्तों, बिलीव जो बुक है, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मतलब दोस्तों क्रिकेट और जिंदगी ने मुझे क्या सिखाया, वो दोस्तों पुस्तक है सुरेश रैना। किसकी है, सुरेश रैना की है, बिलीव नाम से, ध्यान रखना इस बुक को। आगे देखिए दोस्तों, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मारी के लुकास रिजनेवेल्ड, सन 2020 का दोस्तों जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो मिला किसको, मारी के लुकास रिजनेवेल्ड। और दोस्तों नोबेल का नाम क्या है, वो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी डिस्कस किया सगी बहन किसकी है दोस्तों, डगलस स्टुअर्ट की है, सन 2020 का बुकर पुरस्कार इनको दिया गया। और भाई साहब अगर पूछ ले, अरुंधति रॉय, एक तो आजादी पढ़ चुके हैं दोस्तों, एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये जो बुक है दोस्तों, ये बुक बुकर पुरस्कार जीत चुकी है अरुंधति रॉय की, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वही दोस्तों द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी किसकी पुस्तक है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है। और इसके बाद में दोस्तों आपके सामने है अमिताभ घोष। कौन है, अमिताभ घोष है। और ध्यान रखना दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुके हैं अमिताभ घोष। और ध्यान रखना, इनकी दोस्तों बुक है द लिविंग माउंटेन, मतलब दोस्तों इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया है उसके ऊपर बुक है द लिविंग माउंटेन। किसकी है, अमिताभ घोष की पुस्तक है। इसके बाद दोस्तों अपने परिवार की पुस्तक है फूल पत्ती वाली बुक दोस्तों, अप्रैल मई 2021 दोनों की एक साथ दोस्तों आपको एक ही बुक उपलब्ध कराई गई है। बुक को पढ़ना दोस्तों, इसमें अंत में दोस्तों राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, लल्लन टॉप सूचकांक, लल्लन टॉप दोस्तों आपके इंडेक्स, मतलब दोस्तों अंत में आपको बहुत सारी चीज एक साथ इकट्ठी करके दी गई है। अगर आप सुबह 6 बजे क्लास लेते हो
तो आप दोस्तों 2 दिन के अंदर इस बुक का गर्दा उड़ा दोगे। तो ये बुक मार्केट में आ चुकी है, जाइए दोस्तों बुक को लीजिए। फूल पत्ती वाली बुक बोलना अपने परिवार की बुक है। आगे देखिए दोस्तों, सुबह 6 बजे तैयार रहना, क्योंकि कल सुबह 6 बजे एक ऐसा टॉपिक आएगा दोस्तों जिसमें से पेपर में 100% सवाल छपने वाले। तो अगर आप परीक्षा देना चाहते हो इस बार दोस्तों, और सच में माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो, तो सुबह 6 बजे स्वागत है। ये सभी जो बुक है ना दोस्तों, सुबह 6 बजे डिस्कस की गई है। मुझे उम्मीद है कि आपका रिवीजन हो गया होगा 5-7 मिनट में दोस्तों, आपने वो सभी 30-35 बुक जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ ली होंगी। फिर दोस्तों कल सुबह मिलते हैं 6 बजे हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहना, मस्त रहना, खुश रहना, और ध्यान रखना खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे जिस दिन तू सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। तो कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।